बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है इससे अपडेट करूँगा। मैं रियाल रेट रोज़ बरोज़ ऊपर ही जा रहा है जी। डॉलर पाकिस्तान में डॉलर की तो ब्रेक नहीं लग रही है। और आज ही मैं पढ़ रहा था जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। एक इस चीज़ के ऊपर गौर रखिएगा, पाकिस्तान में अगर आप कोई भी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसका भाई जो प्राइस है इंक्रीज़ उस टाइम होते हैं जब डॉलर अप होता है। हाँ, पेट्रोल के साथ भी होते हैं, लेकिन पेट्रोल अभी रुका हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता ही ये नहीं बढ़ रहा है। तो वैसे गाड़ियों के प्राइस बढ़ चुके हैं और डॉलर के ऊपर ही मुनहसर होता है ये। डॉलर अप जा रहा है तो हर चीज़ महंगी होती है, इसके मतलब तो आपको पता है। डॉलर रेट आपको पहले बता दूं, मैं साइट पर आप देख रहे होंगे 181.25 यानी कि 181.25 रुपये हो चुका है। और एकदम से मेरे हिसाब से आप देख लें 180.57 रुपये से 70-80 पैसे एक दिन में ही बढ़ चुका है जी। हालांकि जब कम होता है उस टाइम तो 10-15 रुपये पैसे के हिसाब से कम होता है। अगर रियाल रेट के मुतलक बात करें तो फौरी बैंक बैंक अल जजीरा जिसे बोला जाता है 47.61 रुपये इनका रेट है जी। फीस है जी 10 रियाल, इनकी जो फीस होती है बैंक की वो 10 रियाल है। वैसे ओपन मार्केट में 48.40 रुपये का डॉलर हो चुका है, लेकिन ये बैंकों के रेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सऊदी अरब से सेंड करेंगे तो इस ये रेट लगेगा। अगर बात करें एसटीसी पे की 47.69 रुपये 47.70 रुपये रेट हो चुका है। 17.25 रियाल इनकी फीस है। तहवील अल राजी राजी बैंक की बात करें तो 47.16 रुपये रेट हो चुका है और 10 रियाल इनकी फीस है। और अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 47.21 रुपये रेट हो चुका है 23 रियाल फीस के साथ। मनीग्राम 47.35 रुपये है जो फीस है इनकी 23 रियाल। और टेलीमनी ANB बैंक की बात करें तो 46 रुपये इनका 35 पैसे, बहुत कम रेट दे रहे हैं ये भाई। 46.35 रुपये रेट है और इनकी फीस है 15 रियाल। तो फीस अपने जहन में रखिएगा, जो साथ में आपको अलग से देनी पड़ेगी।